जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण को एक विशेष खगोलीय घटना माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद भी ग्रहण का प्रभाव समाप्त नहीं होता, इसलिए कुछ विशेष उपायों को करने के लिए शास्त्रों में वर्णित किया गया है, ताकि ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचा जा सके। दोस्तों, ग्रहण काल में मंदिर के अंदर जाना, भगवान को स्पर्श करना एवं देवताओं का दर्शन करना वर्जित होता है। ग्रहण काल में देवताओं का ध्यान, भजन, कीर्तन एवं मंत्रों का जप किया जाता है, परंतु ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद देवी देवताओं का दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। परंतु ध्यान रहे, शुभ फल आपको तभी मिलता है जब आप स्नान करने के बाद दर्शन के लिए जाते हैं, और अगर आप ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान करते हैं तो यह और भी अधिक शुभ फलदायक होगा। अगर आप गंगा नदी में स्नान करने नहीं जा पाते तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भी ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। ग्रहण की समाप्ति के बाद घर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। मंदिर की सफाई करके भगवान की मूर्ति तथा तस्वीरों में भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके उपरांत भगवान की पूजा करना चाहिए। घर के प्रत्येक कोने में कपूर की आरती दिखाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रहण के समय आई हुई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर हो जाती है। ग्रहण के बाद दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, अतः जरूरतमंदों को अन्न एवं वस्त्र का दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गाय को रोटी खिलाने से भी बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि ग्रहण के बाद तिल एवं चने की दाल का दान करना लाभकारी होता है, एवं ऐसा करने से आपके संकट दूर होते हैं। घर में लगे तुलसी के पौधे पर भी ग्रहण के बाद गंगा जल छिड़क कर तुलसी के पौधे को पवित्र करना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण, लेकिन ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं को ही होता है, अतः ग्रहण खत्म हो जाने के बाद गर्भवती महिलाओं को भी स्नान कर लेना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, इसका संक्षिप्त ज्ञान आपको प्राप्त हो गया होगा। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।